हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, जो कि मैं आटे से बनाने वाली हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं, इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, किस तरीके से बनाएंगे इसे। एक कप यहाँ पे मैं आटा ले रही हूँ, गेहूँ का आटा लिया है मैंने। ये और इसमें मैं आधा कप दही डालूंगी। दही आप खट्टा नहीं लें, घर का जमा हुआ अच्छा फ्रेश दही लें। और इसमें डाल दूंगी पानी और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक विदाउट लम्स इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे हम। थोड़ा सा पानी और डाल लूंगी मैं इसमें। ये बहुत ही झटपट से बनने वाला नाश्ता है, आप इसको फटाफट से बना सकते हैं और अपने बच्चों को टिफिन में भी इसको दे सकते हैं आप। अभी बैटर तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए इसके लिए। और अब इसको 1 घंटे के लिए हम रख देंगे, उसके बाद दिखाते होंगे। आप 1 घंटे के लिए हमने इस बैटर को रख दिया था और अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये एक बड़ा साइज का मैंने प्याज ले लिया, इसको डाल दूंगी। कोरिएंडर लीव्स और ये 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, इसको भी डाल दूंगी। अब मैं मसाले डालूंगी इसमें, मसाले बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी, बस 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला, 1/2 टीस्पून साल्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। बहुत ज्यादा मैंने वेजिटेबल्स इसमें नहीं डाला है, बस अनियन और कोरिएंडर लीव्स का ही मैं इसमें अच्छा से एक फ्लेवर देना चाह रही हूँ। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हल्दी, इससे कलर भी अच्छा आएगा, हल्दी तो हम खाने में डालते ही हैं। और अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे इसको। ये जो लोग वर्किंग है और बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत बिजी लाइफ है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, फटाफट से बन जाता है ये। गरम हो गया हमारा और इस पे मैं घी डाल दूंगी। आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं पर मैं घी से बना रही हूँ। और 1 चम्मच भर के ये बटर डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। अब इसको मैंने अच्छे से फैला दिया और अब इसको सिकने देते हैं इस साइड से। अभी देख सकते हैं आप, एक साइड से अच्छे से सिक गया है और अब हम इसको पलट लेंगे चारों तरफ से, इसके साइड से इस तरीके से हटा लूंगी और अब हम इसको पलट देंगे इस तरीके से। अभी पहले वाला मैंने बनाकर हटा लिया, अब इस तरीके से दूसरा भी डाल दिया। इसी तरीके से मैं सारे ये चीले तैयार कर लूंगी। ये ब्रेकफास्ट मेरा बनकर रेडी हो गया, देख सकते हैं आप। और इनको मैंने रोल कर लिया है और बीच में से कट करके रोल किया है, क्योंकि बच्चे इनको इस तरीके से बहुत अच्छे से खाएंगे। और
ये वैसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने इनको टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। और आप भी बनाइए अपने किचन में, एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।